आप लोग भी YouTube का चैनल बनाना चाहते हो, अगर YouTube का चैनल बना चुके हो, उस पर वीडियो बना के अपलोड करते हो, तो एक बात तो आपके दिमाग में जाहिर सी बात है आता होगा कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम किस तरीके से पूरा होगा, कब पूरा होगा, जो हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। क्योंकि 4000 घंटा का वॉच टाइम जो होता है ना, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि शुरू के टाइम में, क्योंकि आपके यूट्यूब वीडियो पे कोई भी व्यूज नहीं आता है। जैसे आप अपने यूट्यूब वीडियो को अपलोड करते हो, आप खुद से किसी भी दूसरे ईमेल आईडी से जाके बार बार चेक करते हो, उस वीडियो को देखते हो, तो उसी से 2-4 व्यूज या 10 या 20 व्यूज आता है। उसके बाद आपके वीडियो पे कोई भी व्यूज नहीं आता, आपका वीडियो रुक जाता है, आपका वीडियो अटक जाता है। लेकिन यूट्यूब की तरफ से एक बहुत ही बड़ी बेहतरीन अपडेट आ चुका है, हम आपको स्क्रीनशॉट में बताने वाले हैं। हम स्क्रीनशॉट बाजू में लगा देंगे, उस स्क्रीनशॉट में आप पढ़ लेना कि यहाँ पे YouTube की तरफ से एक नया अपडेट आया है, जो YouTube का वीडियो का मोनिटाइज के लिए 4000 घंटा वॉच टाइम का क्राइटेरिया था, उसको कम करके 2000 घंटा क्राइटेरिया कम कर दिया है। अब YouTube चैनल को मोनिटाइज करने के लिए ओनली 2000 घंटा चाहिए, लेकिन हर चैनल के लिए नहीं है। कौन कौन सा चैनल के लिए सिर्फ 2000 घंटा वॉच टाइम है आप लोग को पता है? उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा वीडियो के लिए सिर्फ 2000 घंटे में आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होने वाला है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कौन कौन सा यूट्यूब चैनल, अगर किस कौन सा यूट्यूब चैनल आप बनाओगे जिसका क्राइटेरिया सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और 2000 घंटा वॉच टाइम पूरा होने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को आप मोनिटाइज कर सकते हो आसानी तरीके से। तो इसमें सबसे पहला नंबर तो आता है यूट्यूब चैनल का, जो पहला नंबर आता है ना शॉर्ट्स, भी जो आप शॉर्ट्स के बारे में सोच रहे हो, शॉर्ट्स का नहीं है। शॉर्ट्स में कितना पता है आपको? लास्ट 90 दिन में 1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन व्यूज होना चाहिए, उसके बाद ही आपका शॉर्ट चैनल मोनिटाइज होने वाला है। हम यहाँ पे लॉन्ग वीडियो को बात कर रहे हैं, लॉन्ग वीडियो में 1000 सब्सक्राइबर और 2000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होने के बाद आपका कौन सा चैनल मोनिटाइज होने वाला है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें सबसे जो पहला वीडियो आता है, पहला चैनल आता है, कौन सा आता है पता आपको? क्रिकेट वाले चैनल आता है, जिसमें आप वॉइस ओवर करते हो खिलाड़ी का फोटो लगा के, और वहाँ से वॉइस ओवर, अपने आवाज़ से वॉइस ओवर करते हो, वो वाले चैनल आता है, ओनली 2000 घंटा। उसके बाद फैक्ट वाले चैनल कौन सा होता है पता आपको? ये शॉर्ट्स वाले, शॉर्ट्स वीडियो वाले फैक्ट नहीं, लॉन्ग वाले फैक्ट, इस तरीके। उसके बाद एक चैनल इसमें और आता है, कौन सा पता आपको? कुकिंग वाले चैनल, ओनली 2000 घंटा वॉच टाइम होने के बाद आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होने वाला है। अभी तो इसमें बहुत सारे बदलाव किया गया है, यूट्यूब के ट्विटर हैंडल पे आया था ये चीज़, अभी यूट्यूब वाले इस पर रिसर्च कर रहे हैं। खास हो सकता है हर यूट्यूब चैनल के लिए क्राइटेरिया जो 4000 का घंटा का था ना, हर यूट्यूब चैनल के लिए 2000 भी हो सकते हैं। अभी इस पर पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है, अभी कुछ यूट्यूब चैनल के लिए ये अपडेट को जारी किया है। अभी आगे चल के 2023 में, अभी 2023 जनवरी में कुछ भी हो सकता है, हर चैनल के लिए भी 2000 घंटा वॉच टाइम भी लागू कर सकते हैं, नहीं तो 4000 से 6000 घंटा भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग भी और हम भी कुछ भी नहीं कर सकते, हमें इंतज़ार कर रहे हैं और पेशेंस रख के अपने YouTube चैनल पे वीडियो बना के अपलोड करना है। अगर आप लोग YouTube चैनल से पैसा कमाना चाहते हो तो यहाँ पे YouTube पे ग्रो होने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ 2000 घंटा वॉच टाइम, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। इस तरीके से मैं क्यों बता रहा पता है आप लोगों को? जैसे आप लोग अपने YouTube चैनल बनाते हो, 4-5 वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोग सोचते हो किसी तरीके से हमारा वीडियो पे हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाए। अगर आपका चैनल मोनिटाइज भी हो जाता है तो मोनिटाइज करके आप क्या करोगे? उससे पैसा कमा लोगे? नहीं, कभी भी नहीं कमा सकते हो। YouTube पे पैसा किस तरीके से आता है पता आप लोग को? जब तक आपके YouTube चैनल पे YouTube वीडियो पे व्यूज नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आप अपने YouTube वीडियो से पैसा नहीं कमा सकते हो, क्योंकि जितना व्यूज आता है उस हिसाब से आपके YouTube वीडियो पर ऐड आता है, उसी ऐड में आपके उसी ऐड से रेवेन्यू जनरेट होता है। जितना ऐड आता है उसी ऐड का आपका उसी ऐड का आपको पैसा दिया जाता है। तो YouTube चैनल पे कोई भी जल्दीबाजी मत कीजिए, नहीं तो आपका YouTube चैनल डेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, आप कभी भी डिप्रेशन में चले जाओगे, YouTube पे काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, एक ही चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे YouTube चैनल पे काम करने के लिए, ओनली वीडियो बना के अपलोड करते रहो, यहाँ पे पेशेंस रखना है। 6 महीना नहीं 7 महीना 7 महीना नहीं 8 महीना 8 महीना नहीं 1 साल 1 साल नहीं 2 साल 2 साल नहीं 3 साल
कभी न कभी तो चैनल ग्रो होगा, 100% ग्रो होगा, अगर आप मेहनत से और पेशेंस के साथ अगर काम करते हो तो। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, YouTube वीडियो से ज़्यादा आप लोग को सीखना पड़ेगा। और कहाँ से सीखोगे पता है आप लोगों को? किसी का भी वीडियो सामने आता है तो उसको वीडियो को आप स्किप कर देते हो, क्यों इसका मैं वीडियो नहीं देखने वाला हूँ। और किसी का भी वीडियो आता है ना सामने, उसका वीडियो देखिए, हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा। भले कैसा भी वो वीडियो बनाते हैं लेकिन उस वीडियो के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। उससे कुछ ना कुछ आपको उस वीडियो से जानकारी मिलेगा, 100% जानकारी मिलेगा। जितना आप वीडियो देखोगे ना उतना आपको ज्ञान बढ़ेगा, उतना आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। तो उम्मीद है आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान का ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं मोबाइल से रिलेटिव और यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना।